ठीक है दादाजी, अगर आप यात्रा में अकेला जाना चाहते तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। बताइए कब की टिकट करवा दूं? अरे नहीं 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 टिकट की जरूरत नहीं है बेटा। दरअसल आज शाम को एक जत्था जा रहा है, मैं भी उनके साथ हो लूंगा। लेकिन दादाजी आज ही। बस बहू, शुभ काम में देरी किस बात की। अरे वाह, लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस घर के आदमियों का सफाया कर दें। हाँ पूजा, नाना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हारा घर फिर से बसा है, हम नहीं चाहते कि इस बार तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आए। बहना, सब कुछ भुलाकर हमने तुम्हें माफ कर दिया, वेलकम होम। हाँ दादाजी, आप आराम से यात्रा पर जाइए। देखिए, मैं मयंक जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा देवर बनने की पूरी कोशिश करूं। तो ठीक है, सब लोग पहले थोड़ा आराम कर लें, फिर उसके बाद जाने से पहले हम सब मिलके खाना खाएं। क्या बात है बहू? एक्चुअली वो समझ गया, अचानक नरेन को बदला देखकर तुम हैरान हो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, नरेन के मन को तुमसे बेहतर और कौन पढ़ सकता है? तो फिर अच्छा, अब हम कोई इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तुम पहले अपने पियाजी को परख लो, फिर बात करेंगे। और ये हम पहुंच गए फिर से व्यास मैंशन हॉल। दादाजी, मैंने सासू मोम को पूरा व्यास मैंशन घुमा दिया, अब इस घर में रहना है तो घर का कोना कोना तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। नरेन, खाना तैयार है, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। और अब नरेन की बगल में बैठेगी मेरी बहू। एक मिनट पूजा, तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठोगी। इस कुर्सी पर मेरी सासू मॉम बैठेगी। पूजा, तुम आज से मेरी कुर्सी पर बैठो। और मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खाना खिलाऊंगा। अब खुश। दादाजी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे वाह, खाने की टेबल पर सब साथ साथ। अरे जीजी, आप खाने नहीं आएंगी? नहीं, एक्चुअली हम हर सैटरडे मम्मी जी से मिलने आश्रम जाते हैं, तो उन्हीं के साथ खा लेंगे। मैं भी आपके साथ आश्रम चलता हूँ, वो बुआ जी से मिले बहुत टाइम हो गया ना, बहुत मिस कर रहा हूँ। चलिए। अरे भाई, सुबह से बैठे क्यों हैं? खाना लीजिए। इस बार आपके प्यार में कोई छल नहीं। मालती जी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं समदन जी, आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। दामाद के जाने के गम में हम इतना डूब गए थे कि ये तक याद नहीं रहा कि आपने तो अपना बेटा खोया है। मन पर एक बोझ था, सोचा आज उसे उतार दूं। मयंक के नाम पर जो भी फैक्ट्रियां हैं, वो हम सब कुछ आपके नाम करना चाहते हैं।
मालती जी, अचानक ये सब बातें क्यों कर रही हैं आप? अचानक नहीं हर्षा जी, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। एक बार नैना 40 की हुई, फिर आप सब कुछ उसके नाम कर दीजिएगा। मम्मी जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? रख लीजिए, मैंने ऐसी 2000 कॉपीज बनवा ली हैं। अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो पूरे ऋषिकेश में ये पोस्टर्स लगवा देंगे हम। नहीं नहीं पूजा बेटा, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगी वो सब कुछ हम करने को तैयार हैं। तो फिर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए कि आप बुआ जी को मयंक की सारी फैक्ट्री सौंप कर ही लौटेंगी। उनसे कहिएगा कि ये मयंक की आखिरी निशानी है और इसे एक माँ से अच्छी तरह कौन संभाल सकता है। ना मत कहिए हर्षा जी, नैना को भी इस बात से बहुत दुख होगा। वो भी आपको इसी बात के लिए मनाने आई थी, है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मान जाइए ना, हमारे लिए ना सही मयंक की खुशी के लिए मान जाइए। ठीक है बेटा, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मयंक की फैक्ट्री में अपने नाम करवा दूंगी। मम्मी जी, आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? अरे नैना से शादी मैं दहेज में मिलने वाली फैक्ट्रीज के लिए कर रहा था, और ये बुआ जी ने तो मेरा सारा दहेज ही हड़प ली। दो दिन बाद प्री इलेक्शन रैली है और मैं चाहता हूँ कि इस रैली में मेरे साथ पूजा भी चले। लेकिन सर, रैली में आपकी सिक्योरिटी को लेकर पहले से ही काफी स्ट्रेस है और इसमें पूजा में उनका साथ चलना उनके लिए खतरा हो सकता है। डोंट वरी दानिश, मेरे होते भी अगर मेरी वाइफ की सिक्योरिटी की चिंता हो मेरे होने का क्या मतलब। बट स्टिल ये फैसला पूजा का ही होगा। पूजा, क्या तुम मेरे साथ मेरे सबसे बड़े इलेक्शन कैंपेन में मेरे साथ चलोगी? अच्छा तो बाकी सारे डिटेल्स तो आपके पास होंगे। माँ है वो मेरी। माँ होगी तुम्हारी, मेरे लिए तो एक गंदी पैठा, इसका गंदा खून नहीं है। खून नहीं है। जब जब आप घुंघरू पहनती हैं, तब तब कृष्णपुरी में ट्रैफिक रुक जाता है। क्यों ना आपकी अदाओं का जलवा आज हम भी देखें। सॉरी नरेन, जो मैं आपको इस तरह परख रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर चंद्रिका माँ को आपके किसी खेल की वजह से तकलीफ हो। माँ, तुम निकलो यहाँ से। माँ, खाना लाई हूँ, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। मैं नहीं खा रही, निकलो यहाँ से। नरेन, नरेन, बेटा बचाओ मुझे। माँ, निकलो। माँ, क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? ये बहन मुझे मार रही है। इस बार खाने में क्या मिलाया होगा? हाँ, it's okay ma'am. बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, पूजा आपको क्यों मारना चाहेगी? वो तो आपको माँ से भी बढ़कर मानती है। पूजा, इधर आ। माँ, आज पापा और मैं आपके सामने सही सलामत हैं, तो इसकी वजह पूजा है। बीते समय में हमने पूजा पर कई इल्जाम लगाए, लेकिन अगर इसे हमें नुकसान पहुंचाना होता तो क्या इतना समय लगता? माँ,
आपके इस हालत की जिम्मेदार पूजा नहीं है। हम कब तक इसे दूसरे के हिस्से की सजा देते रहेंगे? आज आपको पूजा अपने हाथों से खाना खिलाएगी। प्लीज मना मत कीजिए मेरे लिए। जब तक तुम साथ हो मेरे लड़खड़ाते कदम भी संभल जाएंगे। ऐसा क्या है इन आंखों में जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? झूठ कहूं या सच सुनोगे? जो आपके दिल से निकले वही सुनना है मुझे। सच को पूजा तो नफरत का खेल खेलते खेलते इस दिल को नफरत की आदत हो गई थी, लेकिन आज ये दिल तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है। लेकिन इस दिल को नफरत भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पूजा, तुम्हें देखकर मेरा बचपने वाला गुस्सा ना लौटा है, इसलिए मैंने अपनी आंखों को ही अंधेरे की सजा दे दी। मेरी नफरत को तुम्हारा भरोसा मिलेगा? नरेन बाबू का सम्मान। थैंक यू। चलिए मैं आपका सम्मान सजा देती हूँ। साथ साथ सजाए। बिल्कुल, लेकिन खुद को इस तरह सजा देकर नहीं। अगर इन नजरों में अब भी मेरे लिए नफरत है तो मेरा सारा भरोसा और सारा वक्त इस नफरत के नाम के नाम। दोनों
राहुल। हाँ राहुल भाई, ये नैना की जो चाची है ना, मयंक की सारी फैक्ट्रीज बुआ जी के नाम करना चाहती। भाई आप ही बताओ, बुआ जी की ऐसी हालत है क्या कि वो एक भी फैक्ट्री संभाल पाए? मुझे तुम्हें क्या लगता है, इस एज में हमें बुआ जी को परेशान करना चाहिए? नरेन, काम करने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती, और बुआ जी जितना काम में बिजी रहेंगी उतनी ही जल्दी वो मयंक के दुख से भी बाहर निकल पाएंगे। So it's done then. वो आज से ही मयंक की सारी फैक्ट्री संभालेंगे। राहुल तुम पेपर्स तैयार करो। ओके भाई। नरेन, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूं। राम, ये बैग गाड़ी में रखवा दो। कमरे में आने से पहले मैंने मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया था। हम इलेक्शन के काम से बाहर जा रहे हैं, तो फिर इट्स अ सरप्राइज एंड आई एम श्योर तुम्हें ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। पूछा, इस बार तुम्हें मैं चलूंगा नहीं। आप खाइए ना। भाड़े की चाची, बहुत पर निकल आए तुम्हारे। यहाँ से निकलो तो सबसे पहले तुम्हारे पर काटेंगे। यहाँ पर कितनी शांति है। मैं सोच रही थी हर्षा जी, नैना के चाचा जी वैसे भी बाहर गए हुए व्यापार के काम से, तो क्यों ना मैं यहाँ पर आकर रुक जाऊँ आपके पास। हाँ मालती जी, बिल्कुल, आप जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। बल्कि मैं तो कहूँ नैना, तुम भी मेरे साथ यहाँ पे रुक जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। हम बुआ जी, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नैना जी तो यहाँ नहीं रुक सकती। अरे आज सुबह ही तो कह रही थी कि मयंक के नाम पर फैक्ट्री के वर्कर्स को ना कंबल बंटवाना चाहती हैं। हाँ, हाँ, और सारी तैयारियां हो गई हैं, तो मैं तो घर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। नैना रानी को तो बचा ली, अब बुआ जी से फैक्ट्री बचाने का बस एक ही तरीका है। प्राइवेट नंबर से मैसेज, नरेन व्यास के बदले हुए तेवर पर यकीन मत कीजिए। पूजा की जिंदगी खतरे में है, उसे नरेन के साथ जाने से रोक लीजिए। अरे लेकिन ये मैसेज मुझे भेजा किसने? मैं कुछ देर अपनी बीवी के साथ अकेले में स्पेंड करना चाहता हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। ये नरेन पूजा कहाँ गए? इन दोनों निकल तो नहीं गए? सर जी, सर जी, हम आपको बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाने दे सकते। आप अपनी बीवी के साथ इस कार में जा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी टीम आपके पीछे पीछे चलेगी, यही प्रोटोकॉल है सर। तुमने शादी की तभी ऐसे बात कर यार, इतने दिनों बाद मुझे मेरी बीवी वापस मिल रही, अब क्यों हम दोनों के बीच में विलन बन रहे हो? चरण, रामपाल, मनोज। जी सर। पूजा मैडम कहाँ है? पूजा भाभी तो नरेन बाबू के साथ कहीं बाहर गई। अरे रुको रुको, मनिंदर, ये नरेन की गाड़ी है ना? जी सर। अरे रुको से, नरेन पूजा को लेकर कहाँ गए? पता नहीं सर, पर आज तो सिक्योरिटी ले जाने से ही मना कर दिया सर जी ने। समझ नहीं आ रहा है ये मैसेज भेजने वाला है कौन।
आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है हार्दिक अंकल। मुझे किसी भी तरह से दी को नरेन से बचाना है। आज मैं आप दोनों को अपने साथ अपने घर वापस ले जाने हैं, और वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। इस घर में मेरा रिश्ता पूजा की वजह से, तो ये आरती अकेले कैसे करवा लूं? मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली। उसने हमेशा हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया, इसलिए आज पूरे सम्मान के साथ मैं उसे उसके घर वापस लेकर आया। क्या हुआ नरेन, हम यहाँ क्यों रुक गए? गाड़ी खराब हो गई क्या? बारह पूछ। इस तरह सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकने का क्या मतलब? कहीं नरेन सिर्फ बदलने का नाटक तो नहीं कर रहे थे?